हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ब्यूटी सेगमेंट में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ पोमीग्रेनेट पील ऑफ मास्क। जी हाँ, ये रिजुविनेटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है एंड एक्सक्लूसिवली पर्पल पे ही अवेलेबल है। ये न्यू लॉन्चेज में से है तो डेफिनेटली आपको जानना चाहिए कि ये कैसा रहा मेरे एक्सपीरियंस इसके साथ में। कुछ इस तरीके की ट्यूब पैकेजिंग मिल जाती है, 175 रुपीज़ इसकी MRP है, बट MRP जो भी हो आपको हमेशा सेल टाइम पर परचेज करना चाहिए। प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था बाय वन गेट वन के ऑफर में, इसके साथ में मैंने एक पपाया वाला वेरियंट भी परचेज किया था तो मुझे 50% ऑफ पे मिल गए थे दोनों ट्यूब्स। एंड पपाया वाला वेरियंट कैसा रहा है, उसके साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो सारी चीजें मैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो उसे जाके चेकआउट जरूर से करिए। वो ग्लो पील ऑफ मास्क था और ये है रिजुविनेटिंग पील ऑफ मास्क। अगर इसके डिटेल्स के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 50 ग्राम्स की। इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी 50 ग्राम्स की है। ये रहा, ओके, यस, ये लिखा हुआ है 50 ग्राम्स की क्वांटिटी है। तो छोटी सी ट्यूब है, ऐसा भी नहीं है कि आपकी वेस्ट हो जाएगी, ये आराम से कंज्यूम हो जाएगी। अब बात करें अगर इसके इंग्रीडियंट की तो इसमें है पोमीग्रेनेट यानी कि अनार। इसका काम होता है आपकी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करना, न्यूट्रलाइज करना फ्री रेडिकल्स को, आपकी जितने भी एजिंग साइंस होते हैं उसे बहुत ही अच्छे से फाइट करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट और सफल भी बनाता है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता है आपके लिए। और साथ में जो इससे इंग्रीडियंट्स हैं वो हैं लेमन और पपाया, जो कि आपकी स्किन में एक ग्लो और ब्राइटनेस को एड ऑन करते हैं। अब इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशेस और रिजुविनेट करता है आपकी स्किन को, रिवाइव करता है आपकी थकी हुई बेजान सी स्किन को और एक यूथफुल सा ग्लो प्रोवाइड करता है। ये थे इस प्रोडक्ट के क्लेम। अगर बात करूं मैं मेरे एक्सपीरियंस की तो मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा है इसके बारे में जान लेते हैं। माइल्ड सी इसकी फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल भी ना के बराबर इसकी फ्रेग्रेंस है, कहीं भी बॉदर नहीं करने वाली है। कलर की बात करूं तो एकदम लाइट पिंकिश काइंड ऑफ कलर है इसका, जैसा कि आप अनार का जो जूस निकालते हैं एकदम हल्का सा लाइट पिंकिश सा कलर होता है, लाइट रेडिश या पिंकिश काइंड ऑफ कलर, बिल्कुल वैसा ही इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी है। तो उसको आप अच्छे तरीके से अपने फेस पे लगा लीजिए, उसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए एंड उसके बाद में आपको इसको रिमूव कर देना है, पील ऑफ कर देना है। जितने भी आपके डेड स्किन सेल्स होंगे वो हट जाएंगे और आपकी स्किन काफी ज्यादा रिफ्रेश और बढ़िया सी फील करेगी। बात करें अगर ग्लो इससे मिलता है कि नहीं, तो इस वाले पर्टिकुलर पील ऑफ मास्क से मुझे ग्लो नहीं महसूस हुआ पर्सनली। ग्लो की अगर बात करें तो इसका जो पपाया वाला वेरिएंट है वो मुझे ज्यादा पसंद आया ग्लो के रेस्पेक्ट में, लेकिन हाँ अगर रिफ्रेशन अप की बात करें तो इसको यूज करने के बाद में स्किन बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटेड सी, रिफ्रेश सी जरूर से फील हो रही थी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही थी। अगर ये जाने कि ये किस लोगों को यूज करना चाहिए तो हर एक वो व्यक्ति जिन्हें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एजिंग साइंस नजर आ रही है, आपकी स्किन टैन हो गई है या फिर आपको हाइड्रेशन की जरूरत है तो आपको ये प्रोडक्ट जरूर से यूज करना चाहिए। है अगेन गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है, हर एक स्किन टाइप वालों के लिए बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का प्रोडक्ट रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में, पील ऑफ मास्क के बारे में, जो कि मुझे तो सही लगा है, पसंद आया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्रोडक्ट रिव्यू या इसके बारे में कोई भी नई जानकारी मिली है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो जाने से पहले इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।